Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सभी ट्रेनिंग को नमस्कार। दोस्तों जल्दी से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो, जिन लोगों के एग्जाम होने वाली है इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें। अगर आप DRDO मेट्रो रेलवे लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कर देते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो भी होगा क्वेश्चन सारे इस वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को जल्दी से जाते जाते रिविज़न कर लो एक बार, और हाँ साथ में कमेंट करते चलना। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट करते चलना, इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु की नोक पर विश्राम रहता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए फटाफट, 2 सेकंड या 30 सेकंड दूंगा। हाँ, स्थिर, तटस्थ, अस्थिर, क्षैतिज, तो जो भी ट्रेनी इसका क्या लगा रहे हैं, अस्थिर, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नोक पर पूछा गया, अगर यहीं पर क्या होता, यहीं पर आपको आधार मिल जाता तो क्या हो जाता, तो स्थिर हो जाता। तो अभी क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घर्षण गुणांक जो है दोस्तों 0.0125 है, तो किसी वस्तु का भार 30 kg है तो बल के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। जल्दी से बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी बताइए, जल्दी से आप लोग जल्दी कमेंट। हाँ, जो भी जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही, जो भी ट्रेन इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही है, 2400 वाले एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता कारण बनता है, बढ़ती है, कम होती है, एक ही रहता है, प्रभावी नहीं रहता है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि जो भी ट्रेनी इसका क्या लगा रहे हैं, ए ऑप्शन वाले एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण का बल कौन सा निर्भर करता है, धातुओं के प्रकार पर, संपर्क सतह पर, या फिर से संपर्क की धातु पर, या गुणवत्ता पर, किस पर निर्भर करता है, तो घर्षण बल बिल्कुल सही ऑप्शन, जो भी ट्रेनी इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं, संपर्क सतह पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी संपर्क सफेद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, कौन सा घर्षण का नियम है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा है, घर्षण का क्षेत्र से संपर्क सतहों के अपार स्वतंत्र, या फिर घर्षण के विपरीत के सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपातिक, या फिर गति की एक ही दिशा में घर्षण बल में कार्य करता है, या फिर हो जाएगा घर्षण बल से संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है, बताइए कमेंट करिए। बिल्कुल सही, आप लोग पहले ही कमेंट दे रहे हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो रट गए आप लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं, ए ऑप्शन, यानी कि घर्षण बल क्षेत्र संपर्क सतह के आकार, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान के तहत क्या है, बताइए अनुमान के तहत क्या है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए। बिल्कुल सही ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो, यानी कि सी ऑप्शन वाले एकदम सही हैं, सी ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं वो एकदम सही है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन को रिवीजन कर लो आप लोग। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, व्यक्तिगत, निगम से संबंधित, या पार्टनरशिप फर्म, या सरकारी विभाग, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल सही ऑप्शन, सरकारी, गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं सरकारी विभाग, डी ऑप्शन वाले एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि जो है 5000 की जमा की जाती है और उस पर 500 रुपये में ब्याज मिलता है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 5000 में क्या करेंगे, 500 को ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो राइट ऑप्शन कौन सा, जल्दी कमेंट बताइए, 4500, 6000, या फिर 6500, बिल्कुल सही ऑप्शन बी ऑप्शन, जो भी ट्रेनी इसका लगा रहे हो, बी ऑप्शन, जो भी ट्रेनी बी ऑप्शन लगा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, सॉरी ट्रेनी, ये क्वेश्चन मैंने क्या है, साधारण ब्याज को मैंने साल को मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो मैंने लगवा दिया था पी, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, साल में पूछा गया है, तो जो भी ट्रेनी एन लगा रहे हैं तो वो एकदम सही हो जाएंगे, एन वाले। ठीक है, मैंने उसमें एक क्वेश्चन में गलत करवा दिया, तो मैंने पिन को कमेंट कर दिया गया था। ठीक है, पिन को कमेंट कर देता हूँ, जो भी होता है कमेंट में पिन कर देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ क्या है, हमेशा याद रखना, लाभ जो होता है वो सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बिल्कुल सही ऑप्शन, जो भी ट्रेनी ए ऑप्शन लगा रहे हैं इसका, ए ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। ठीक है ट्रेनी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बोल रहा है कि उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील जो 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो सीमेंटाइट, ऑस्टेटाइट या फिर मार्टिनाइटाइट या फेराइट। बिल्कुल सही ऑप्शन, जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही, जो भी सीमेंटाइट में मत लगा था, मतलब आप तो संरचना स्टील हो जाएगी, मतलब नहीं सीमेंट नहीं, ऑस्टेनाइट, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी ट्रेनिंग बी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही है। और दोस्तों हाँ, मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और भी आपके ट्रेनिंग लाभ ले सकें, ठीक है। जो भी आपके यार दोस्त चाहने वाले हों उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया बतानी है कौन, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन है आयामों को बदलने के लिए हीटिंग की प्रक्रिया, या फिर आयामों को बदलने के लिए कूलिंग प्रक्रिया, या फिर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हीटिंग को झुकाने की प्रक्रिया। बिल्कुल जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दिए। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग प्रक्रिया, यानी कि जो भी ट्रेनिंग इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन वाले, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या है, तो क्या हो जाएगा, वल्क मापक, यंग मापक, सुरक्षा मापक, गुणवत्ता मापक, जल्दी से कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपसे बोल रहा हूँ पूरे भी की ज़्यादा तो नहीं, हो सकता है पूरे भी क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ज़रूर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, जो भी ट्रेनिंग क्या लगा रहे हैं, सुरक्षा गुणांक, बिल्कुल सुरक्षा गुणांक वाले क्या हो जाएंगे एकदम सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विकृति किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन जो होता है ना, और मूल आयाम में अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबल, विकृति, पायसन अनुपात या फिर सुरक्षा गुणांक। बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, जो भी ट्रेन इसका जो भी लगा रहे हो, यानी कौन सा, विकृति यानी कि स्ट्रेन, स्ट्रेन वाले क्या हो जाएंगे एकदम सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर क्या लगा दिया, विकृति या स्ट्रेन लगाया है, और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से आप लोग रिविज़न कर लीजिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ए बी का मान क्या है, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 24, छः होगा, चार होगा, तीन होगा, दो, जल्दी से कमेंट करिए। और इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो, वर्कशॉप की अगर आपकी एग्ज़ाम 4-5 दिन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वर्कशॉप की, एम्प्लॉयबिलिटी की पूरी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आप क्लिक करना, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा तीन, जो भी ट्रेनिंग थीम लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीन वाले एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 13x = 20 है, तो एक्स का मान क्या होगा, तो इसमें क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, 13 को 20 में घटा देना, 20 में से 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8, 7, 9, 13 कितना, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 7, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे एकदम सही ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए पे ए अपॉन यानी कि ए भागत ए पे घात एम का मान क्या होगा, तो हमेशा याद रखना जब कोई भागत में चीज़ होती है, जब नीचे होती है, जब हमारी ऊपर जाती है, तो वो माइनस में हो जाती है, तो देख लीजिए कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, ए पे घात एम, ए पे घात माइनस की एम, ए पे घात ओ, या फिर एम रूट ए या ए रूट एम, सही से कौन सा हो जाएगा बताइए कमेंट करके। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो ये क्वेश्चन आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलो वो सॉरी कौन सा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अभिग्रेत की कोण 30 डिग्री है, 7.85, 7.25 या फिर 6.75 या फिर 6.85 बताइए कमेंट करके। जी आप रट लेना, इसका सॉल्यूशन कराएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, अगर पूरा देखना है, अच्छे समझना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जो भी ट्रेन इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, आपका ए ऑप्शन अगर आपने लगाया तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब पूछा है चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहते हैं, आर्क, व्यास, रेडियस, विकर्ण, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा व्यास, जो भी ट्रेनी व्यास लगाए हैं वो एकदम सही हो जाएंगे, व्यास वाले क्या आ जाएंगे सही हो जाएंगे, ठीक है। व्यास अगर आपने लगाया है तो एकदम सही है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये है, जो वस्तु
के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करती है, वजन है, द्रव्यमान है या घनत्व है या आकार है, बताइए कमेंट करिए। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिए। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मास, मास यानी कि द्रव्यमान। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो ये क्वेश्चन आपका सही है। कितना सही है, इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं और 25 में से 25 अगर आपके आए तो समझ जाना ये हमारा पेपर आज का तो धुआं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं धुआं, ठीक है, गर्दा उड़ा देना भाई साहब आज को एग्जाम में। क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं? प्रारंभिक बिंदु, गुरुत्वा का केंद्र या केंद्रक या फिर केंद्रक बिंदु, बताइए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वा के केंद्र, ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 केजी वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? तो कुछ नहीं, 20 × 40, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपका एकदम सही ऑप्शन ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्नेहक प्राणी का एक अंगूठी तेल के साथ साथ प्रदान की जाती है जिसके चारों भागों को आसपास लगातार लब तेल है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। गुरुत्वाकर्षण, दाब प्रणाली या फिर स्प्लेस फीड या फिर सेना प्रणाली, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही, जो भी ट्रेनी इसका भी स्प्लेस फीड प्रणाली लगा रहे हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और हाँ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको भविष्य में वहाँ से आपको अपडेट देता रहूँगा। चलो, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी, स्नेह किसका प्रयोग करते हैं कमेंट करिए। हाँ, इसका आप लोग क्या करना, ये एक मिनट, ये एक काम करना, मुझे जब वीडियो ख़त्म हो जाए अपना नाम, अपना ट्रेड और इसका कमेंट करके बता देना क्या सही ऑप्शन ए बी सी जो भी है, आप हमें कमेंट करके बता देना। क्या? अपना नाम मत रहने देना, अपना ट्रेड और इसका आंसर, आपका ट्रेड जरूर, अपना ट्रेड लिखना और इसका आंसर आगे लिख देना, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे। और जो भी ट्रेनी सबसे पहले आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम ले देंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल सीधे संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया अनुपातिक है? कर्षण या बल घत्ता, बल धक्का या घर्षण बल, अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन, घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? घर्षण बल। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बारे में उसको प्रेस कर लो, ठीक है। अगर हम इससे जुड़ना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और मतलब क्या बताऊँ यार।